Nowadays, it is put into the minds of youth, especially the Muslim youth, that if you want to climb up the ladder of the success and you want to get on the top of it, so you have to somehow compromise on the Islamic teachings. For example, maintaining eye contact is an essential way to determine whether the person is confident or not. But sometimes you have to deal with the opposite gender. So Islam says that you cannot do that. And when you talk about the worldly success, it's against the confidence. So is it really that Islamic teachings is a hurdle in the way of success, or it's something else? And if we really want to follow the Islamic teachings and also go want to go on the top, so what are the ways, what are the steps that we should take? Tarakki ki buniyad aap samjhein kya hai? तरक्की की बुनियाद क्या किसी की आंखों में घूरने से है या बंदे की अहलियत पे है? एक आदमी किसी जॉब के लिए जाता है, उसकी जॉब है मिसाल के तौर पे कंप्यूटर ऑपरेटर की है, या वो आईटी एक्सपर्ट के तौर पे गया। अब मुझे बताएं कि आईटी एक्सपर्ट की वो आईटी एक्सपर्टी चेक करेंगे या उसकी आंखें चेक करेंगे घूर के देख रहा है या नहीं देख रहा? कॉन्फिडेंस जो है इसका ताल्लुक किसी जगह पे तो हो सकता है। एक आदमी पब्लिक डीलिंग करता है, अब पब्लिक डीलिंग के अंदर जो है यानी कि हाउ मच ही इज कॉन्फिडेंट, वहां तो इस बात को देखा जाएगा। लेकिन एक बंदे ने सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के उसके सारा अपना सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ये आंखों में घूरे ना घूरे बराबर शुद्ध, यहां तो कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि हम अपनी जो बेसिक इस्लामिक टीचिंग्स हैं उन पर फर्म रहें और उनको कभी भी गिव अप ना करें। अब उसके बाद जो बाकी चीजें हैं उसका दारोमदार अहलियत के ऊपर होता है। दुनिया में बड़े बड़े साइंसदान मौजूद हैं जो पूरा इस्लाम पे अमल करने वाले, दुनिया में बड़े बड़े प्रोफेसर्स मौजूद हैं जो पूरे पूरे इस्लाम पे अमल करने वाले, दुनिया में बड़े बड़े इंजीनियर मौजूद हैं जो पूरे पूरे इस्लाम पे अमल करने वाले, दुनिया की हर फील्ड में दीन पे पूरे अमल करने वाले मौजूद हैं। हत्ता के आप ये देख लें, जैसे क्रिकेट की दुनिया है एक पूरी, उसमें कई मरतबा क्या होता है कि शराब की कंपनियां अपनी शर्ट्स वगैरह जो है ना वो देती हैं कि उनका लोगो वगैरह उस शर्ट पे होगा और खिलाड़ी उसे पहनेंगे। कितने मुसलमान खिलाड़ियां इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं पहनेंगे, हमारे दीन में शराब हराम है, हम नहीं पहनेंगे। तो क्या मतलब उनको टीम से निकाल दिया? अगर वो अच्छे खिलाड़ी थे तो उनके उस जो एक्सपर्टी है, प्लेइंग एक्सपर्टी है, उसके ऊपर उनको टीम में रखा गया। ये नहीं है कि तुमने शराब वाला ये जुब्बा नहीं पहना तो निकल जाओ यहाँ से। इसी तरीके से और बीसियों चीज़ें हैं कि किसी से कोई इंटरव्यू लेने गया और इंटरव्यू लेने वाली का लिबास अगर ढंग का नहीं, उसने मना कर दिया, उसने कहा कि मैं इस तरह इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो बात यह है कि कॉन्फिडेंस हमारा अपना लूज हो जाता है। हमें जैसे ही किसी इस्लामिक कमांडमेंट पे कंप्रोमाइज़ का कहा जाता है, वी लूज अवर कॉन्फिडेंस इमीजिएटली। तो प्रॉब्लम हमारी तरफ से होता है। इकबाल के फारसी के कुछ अशआर हैं शायर मशरिक़ के, उसने कहा था कि पजामे ऊंचे पहनने से और तंग कुर्तियां पहनने से तरक्की नहीं होती, तरक्की तहकीक जुस्तजू और मेहनत से होती है। इसी तरीके से शराब की बोतलें और आवारगी से तरक्की नहीं होती, तरक्की की अपनी दुनिया है, उसके अपने तकाजे हैं, तो उसकी अपनी जो एक्सपर्टी है वो देखी जाती है। तो ये चीज़ें जो ना, ये होता क्या है कि बस चूंकि हमारा ईमान कमज़ोर होता है तो हम फौरी तौर पे छलांग मार के जना वो बॉर्डर बार हो जाते हैं कि ठीक है जी छोड़ देते हैं इसको। जब मैं स्कूल पढ़ता था मैट्रिक में, तो मैं इमामा बांध के जाता था स्कूल में, माशाल्लाह ग्रीन इमामा होता था, मैं इमामा बांध के जाता था। तो हमारे जो हेड मास्टर साहब थे ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई ये इमामा बांध के क्यों आता है, स्कूल का ड्रेस पहन के है। मैंने कहा स्कूल का ड्रेस ना यहाँ से शुरू होता है, इससे ऊपर के बारे में स्कूल की कोई सजेशन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन वो हेडमास्टर साहब जो है ना वो बड़े पक्के थे, अब उसके नहीं जी ये है वो करते कराते बहरहाल मुझे उन्होंने फारिग कर दिया। मैंने प्राइवेट तैयारी शुरू कर दी मैट्रिक की, मैंने प्राइवेट तैयारी की और मैं फैसलाबाद बोर्ड के अंदर मेरी पहली पोजिशन आई, सुभानअल्लाह। अब क्या हुआ कि उस स्कूल की एक पोजिशन थी, मेरी भी पोजिशन थी, स्कूल की शायद तीसरी पोजीशन थी, मेरी फर्स्ट थी। अब हम गए बोर्ड ऑफिस जहाँ पर ना वो सेरेमनी थी इसकी, तकसीम इनामात वगैरह के अवार्ड देने थे। जहाँ अवार्ड देने थे ना, तो उसमें जैसे नाम हुआ तीसरे नंबर का, फिर दूसरे नंबर का,
फिर पहले नंबर का आया तो मेरा नाम आ गया, मैं स्टेज पे गया, जाके मैंने जो है ना वो अपनी ट्रॉफी ये वो सब अपना वसूल किया। जब मैं नीचे उतर के आया ना तो हेडमास्टर साहब सामने खड़े थे, मुझे देख के इतना शर्मिंदा हुए। तो मेरे वालिद साहब वहाँ थे, उन्होंने कहा नहीं आप जाके इनसे सलाम लिए, आपके टीचर हैं, आप इनसे सलाम लें जाके। तो मैं गया, मैंने जाके उनसे सलाम लिया, उनसे तो सलाम लिया ना तो मुझे कहने लगे यू आर वेलकम, यानी बड़े खुश हुए। आपको जो ज़िंदगी में मिलता है वो आपकी अपनी काबिलियत पे मिलता है, हाउ मच यू आर कॉम्पिटेंट आपको इस पर मिलता है। मुझे जो पोजीशन मिली वो इमामे की वजह से नहीं मिली, और जो बकिया को नहीं मिली वो इमामा उतारने की वजह से नहीं मिली, ठीक है ना। पढ़ाई का ताल्लुक पढ़ाई के साथ है, आप मेहनत से पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। तो चीज़ों को आपस के अंदर जो जोड़ा जाता है ना वो जोड़ा गलत जाता है।